ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रशियन फोर्सेस से ट्रेंच को कराया मुक्त विद द विजुअल्स। Ёб твою мать. Алось, блядь, не дальше. Ёб ты, блядь. Кто там? Пидор? Пидор? Він під накриттям. Під накриттям. ये देखिए एम्बेंस अब करेगा राहुल, ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, डोनेस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। एयर स्ट्राइक के बाद हुआ जबरदस्त धमाका विद द विजुअल्स। हमले में रूस को भारी नुकसान, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की बड़ी खबर। मनीष तैयार हो जाइए, मुझे आपसे बहुत कुछ समझ ना आया अभी, क्योंकि आप अभी रशिया से लौटे और सबसे ज्यादा रशिया में रहे इंडियन जर्नलिस्ट के तौर पे। यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा बड़ा, बड़ी खबर। ज़ापोरिज़्या में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, बड़ी खबर। डेप्रोपेट्रोविस्क में भी रूस कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले पर यूक्रेनी सेना का दावा, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स इस वक्त की बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा बढ़ा, ज़ापोरिज़्या में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा, डेप्रोपेट्रोविस्क में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए राहुल, वी आर गोइंग टू गो बैक टू बैक। ज़ापोरिज़्या में रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। Su-35S से रूस ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, फ्रंट लाइन पर गाइडेड बम से किया गया हमला, रूसी मिलिट्री सोर्सेज ने किया दावा, ये बड़ी खबर है। ज़ापोरिज़्या में अटैक किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, ये आज की एक और बड़ी खबर है राहुल, दिखाइए जरा, रूस का यूक्रेन पर रात भर हमला, ब्रेक करिए सिर्फ ब्रेकिंग। ईरानी ड्रोन और S-300 मिसाइल से हमला किया गया, लीमन, बाकमुत और मरिंका में रूस के बड़े हमले, ब्रेकिंग विद शॉट्स, दिखाइए राहुल जरा, यह बड़ी खबर है। रूस का यूक्रेन पर रात भर हमला, ईरानी ड्रोन और S-300 मिसाइल से हमला, राहुल तीन ब्रेकिंग तीन शॉट्स, सीधे दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा तीन ब्रेकिंग तीन शॉट्स के साथ मनीष के पास। मनीष, ज़ापोरिज़्या में क्या हो रहा है? रशिया ने अपनी वहां पर तैनाती कम कर दी है, वहां पर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं, व्हाट कैन हैपन देयर? दरअसल रूस को ये आशंका है कि ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने के लिए नाटो के किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। आप देखिए कि कल यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में तबाही हुई तो क्यू पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे पहले कि यूक्रेन की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर किया जाए, रूस चाहता है कि ज़ापोरिज़्या के एक बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण कर लें, और इसीलिए ज़ापोरिज़्या में आप देखिए कि रूसी एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही विध्वंसक अटैक किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होल्ड बनाए जाए, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर तो रूस का कब्जा है। मेरे पास एक और खबर आ रही है, उत्तरी बाकमुत में रूस का जबरदस्त अटैक, ब्रेक करिए। लीमन और कुपियांग के बीच में अटैक किया गया, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। उत्तरी बाकमुत में जबरदस्त अटैक, यहां पर टिकर ऑफ करिए, ये देखिए रूस की ओर से सैकड़ों बार शेलिंग की गई है, रूस से दर्जनों जमीनी हमले भी किए, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स, उत्तरी बाकमुत में जबरदस्त हमला किया गया है। सूमी के उत्तरी इलाके में यूक्रेन का संकट बढ़ा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना ने लोगों को निकालने के लिए इलाके से हिदायत दे दी है। यूक्रेनी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर ने की अपील, रूस की लगातार शेलिंग से भारी नुकसान, सीधे बिग वॉल पर आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर। और उसके बाद सीधे मैं जाऊंगा जीडी बख्शी सर के पास राहुल, यह देखिए यहां पर मैं आपको पहले लोकेशन दिखाता हूं। सतपाल जी आज कैमरा पर है, अभिषेक उनके पीछे खड़े हुए, यह देखिए यह है सूमी, ये है बेलगोरोड, रशिया का इलाका, और सूबी में किस तरीके से नॉनस्टॉप बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर यहां पर अटैक किए जा रहे हैं, ये देखिए अब आप,
यहां पर राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुमी में भीषण खतरे की वार्निंग, दुश्मन आर्टिलरी मोर्टार और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहा है, यानी रशिया फिर से आगे बढ़ने वाला है। यहां खतरा बहुत बड़ा है और किसी भी नागरिक के लिए यहां रुकना ठीक नहीं है। फिर दिखाइए राहुल, खासतौर पर बुजुर्ग नागरिकों से आगाह किया गया वो तुरंत इलाके से निकल जाए। राहुल एक बार इधर आइए जरा, यहां पर फिर से दिखाइए, ये वो सुमी का इलाका है जहां से रशिया ने कीव की ओर कूच किया था। ये देखिए, ये रशिया यहां पर जब अटैक किया था पिछले साल, सुमी पर आया था, यहां पर खार्किव पर आया था, और ये देखिए ये चन्नही पर आया था और सीधे यहां पर कीव पर अटैक किया था। ये सारी रोड जो है कीव की ओर जारी है। राहुल ब्रेकिंग शॉट्स और वॉल सब लीजिए, मनीष से क्विक रिएक्शन। मनीष, मुझे कीव के ऊपर अटैक होता दिखाई दे रहा है, क्या आप एग्री करते हैं? क्विक रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए कीव पर तो अटैक होगा, बस मैं ये केवल कहना चाहूंगा कि कीव पर अटैक अभी फिलहाल बेलारूस की तरफ से हो सकता है, वैगनर कभी भी किसी भी वक्त उस पर अटैक कर सकते हैं मनीष। लेकिन क्या कीव को ये पूरी तरीके से सरेंडर करने के मोड में? राहुल ब्रेकिंग इन शॉट्स एंड बॉल। देखिए पिछले साल जब मार्च में रूसी सेना वापस हटी थी और उसके बाद से लगातार प्रेसिडेंट पुतिन पर दबाव है कि कीव को हमने क्यों छोड़ा है, तो किसी न किसी बहाने कीव की घेराबंदी होगी। कीव और रूस को भी पता है कि जब तक कीव पर शिकंजा कसा नहीं जाएगा इस युद्ध का एक कंक्लूजन नहीं निकल पा सकता है।